हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप फौजी गेम को कैसे जीत सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ, जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप इजीली इस गेम को जीत सकते हैं, क्योंकि इस गेम को खेलना बहुत ही सिंपल तरीके से आप खेल सकते हैं। और अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको थोड़े बहुत कंपटीशन हार्ड होता जाएगा, थोड़ा ज़्यादा आपको फाइट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ इसमें टिप्स ऐसे हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली इस गेम को जीत सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको दूरी मेंटेन रखना है। अब दूरी मेंटेन कैसे रखना है, आपको एक साथ बीच में जाके फाइट नहीं करना है, आपको साइड साइड से ही फाइट करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको कोई भी घेर के नहीं मार पाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं नीचे ही रहा, ऊपर नहीं गया, क्योंकि ऊपर एक साथ बहुत सारे बंदे आ जाएंगे तो इसके लिए मुझे मारने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आपको साइड साइड में रहना है और एक साथ आपको बीच में नहीं लड़ना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप बीच में रहेंगे तो आपको मार देंगे। तो यहाँ पे दो लोग हैं इसलिए मैं इजीली मार सकता हूँ, लेकिन अगर आपको इस गेम को जीतना है तो आपको साइड साइड में रह कर एक एक बंदे को टारगेट करना होगा। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में पहुँच जाए और फाइट करना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी अगर आप इस तरह से जा रहे हैं तो आपको एक एक बंदे को टारगेट करना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ सभी बंदे को टारगेट कर लें। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले कुछ हथियार लिया है उसको मारना है, ताकि वो मारेगा तो आपको ज़्यादा डैमेज देगा। तो जो खाली हाथ है उसको थोड़ा टाइम लेकर मारिएगा, लेकिन जिसके हाथों में मान लीजिए अस्त्र शस्त्र है उसको आपको सबसे पहले टारगेट करना है और उसको सबसे पहले मारना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दूरी भी बनाए रखना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं मार रहा हूँ तो दूरी भी बनाए रखा हूँ, क्योंकि अगर मैं बीच में जाऊँगा तो ये सब एक साथ मिलकर मुझे मार देंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा पीछे भी आ रहा हूँ ताकि मुझे दूरी मेंटेन मैं करके रखूँ, ताकि ये एक साथ मुझ पर वार न कर पाए। और एक साथ नहीं मार पाएंगे तो मैं इजिली इनको किल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक एक को कितनी इजिली यहाँ पे मार रहा हूँ। तो इसको खेलने का सबसे आसान यही तरीका है कि आपको दूरी मेंटेन रखना है। और आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे ये लाल हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये रेड हो गए, तो जब ये रेड होंगे तो मान लीजिए ये मारने के लिए तैयार हैं। जब तक ये रेड नहीं होंगे तब तक ये मारने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे ही ये रेड हो, आपको ध्यान रखना है, अगर आप बीच में हैं तो साइड हट जाइए, या फिर मान लीजिए ये जैसे ही रेड हो रहे हैं तो आप ही मारना स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत करिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे ये रेड होंगे तो जैसे रेड होते ही ये मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनका सबसे बड़ा ये आपको फायदा मिलेगा, अगर आप ये ध्यान देते हैं तो ये मारने से पहले रेड होते हैं यानी कि गुस्सा होते हैं, उसके बाद से मारना स्टार्ट करेंगे। अगर ये रेड नहीं होते हैं तो ये किल नहीं करेंगे। यहाँ आप देख लीजिए, जब ये मारना स्टार्ट करेंगे तो ये रेड हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेड होते हैं, उसके बाद से ये मारना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको आग के पास आकर आपको अपना हेल्थ भी मेंटेन रखना है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपका हेल्थ जो है फुल हो जाएगा, तो यहाँ से आप अपना हेल्थ भी अपग्रेड करते रहिएगा। तो सबसे पहला ट्रिक यही है कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, और जैसे ही वो रेड डॉट होते हैं उसके बाद से आपको मारना स्टार्ट करना है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो अस्त्र शस्त्र है, इनमें सबसे घातक एक अस्त्र है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो अभी नॉर्मल है, मान लीजिए ये पता नहीं कौन सा भाला है, उसके बाद से एक और यहाँ पे कुछ इस तरह का है। तो इनमें सबसे घातक, इन दोनों में सबसे घातक एक तीसरा जो हथियार है वो है, जो सिर्फ 2-3 वार में ही ख़त्म कर देना है। तो ज़रूरत पड़ने पर जब भी वो आपको मिले तो उसको मिस मत करिएगा। और मारते मारते यहाँ पे आपको अस्त्र शस्त्र उठाने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि आप मारते मारते सिर्फ फाइट से ही मारे, मान लीजिए कुछ गिरा हुआ है हथियार तो आप उसको इजीली उठा सकते हैं, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, जैसे ही कोई अस्त्र गिरे तो आपको उसको उठा लेना है, मारते मारते उस हथियार के पास जाना है, उस वेपन के पास जाना है और उसको ले लेना है। उसके बाद से आपको आगे बढ़ना है, और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो यहाँ देख लीजिए, सामने से एक आ रहा है और ये जो हाथ में जो वेपन ले रखा है ये सबसे घातक है। इसको मारने के साथ इसको ले लीजिएगा, या फिर कुछ टाइम लेकर इसको ले लीजिएगा। और आपको एक एक बंदे को टारगेट करना है और दूसरे बंदे से आपको थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखना है। और यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने वेपन कहा है उससे 2-3 वार में ही ये ख़त्म कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेपन काफ़ी घातक है, इससे आप इजीली मार सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आपको जहाँ भी मिले इसको आप लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस है और सबसे बेहतरीन है। आप इजीली इस वेपन के जरिए बहुत ज़्यादा किल कर सकते हैं, लेकिन ये वेपन आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा,
बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा, जिसको भी आपको ध्यान रखना है। और आप कोशिश करिएगा कि ये जो वेपन सारे गिरे हुए हैं इनको उठाते रहिए, क्योंकि इनके जरिए किल करना काफ़ी आसान है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितने इजीली एक एक को टारगेट कर रहा हूँ। अगर आप एक एक को टारगेट करेंगे, एक साथ नहीं मारेंगे सभी को, तो आप इजीली इस गेम को जीत सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सभी को मारना स्टार्ट कर दें। और थोड़ा दूरी भी आपको बनाए रखना है, और ऐसा नहीं है कि मारते मारते एकदम कोने में लेके चला जाना है। अगर आप कोने के साइड में लेकर जाते हैं तो वहाँ पे आप घेर के मारे जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब अभी आप फाइट करें तो आपको बीचों बीच में फाइट करना है, आपको कहीं भी साइड नहीं जाना है, क्योंकि साइड में अगर जाएंगे तो मारे जाएंगे आसानी से। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको साइड में नहीं जाना है। लेकिन एक दो बंदे हों तो आप इजीली मार सकते हैं साइड में ले जाकर। लेकिन मान लीजिए अगर 6-7 बंदे हों तो आप साइड में मत जाइएगा भूल कर भी, क्योंकि अगर आप साइड में जाएंगे तो इजीली आपको मार देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला मिशन भी हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम फिर से अपना हेल्थ यहाँ पे अपग्रेड कर लेंगे यहाँ पे जाकर। और हम आपको बता दें कि आप ऊपर अपना टाइम भी देखते रहिएगा, ऐसा ना हो कि मान लीजिए आप पूरे लोगों को मार दिए और एक बंदा लास्ट में जो बचा रहता है उसको मारने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट चाहिए, तो आपके पास मात्र 30 सेकेंड ही रहेगा, तो फिर आप किल नहीं कर पाएंगे, मारे जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं एक दो बार ऐसा किया हूँ कि सबको मार दिया हूँ, जो लास्ट में बंदा बचा रहता है उसको मारने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड बचे रहते हैं, तो 30 सेकेंड खत्म होता है और मैं हार जाता हूँ। तो इस तरह से आपको भी ध्यान रखना है टाइम को, आपको इनको जल्दी किल करना है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लेना है, और टाइम लेकर मारना है आपको, जल्दी जल्दी मारना होगा। अगर आपके हाथों में वेपन होगा तो आप इजीली मार सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस ट्रिक के जरिए आप इजीली इस गेम को जीत सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।